अरे दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉरेन इनटू मीटर। हमारे पास 14 किलोमीटर है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम डिस्टेंस को किस में नापते हैं। अगर डिस्टेंस बड़ी हो तो किलोमीटर, फिर मीटर, और सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें अब हमारे पास किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में इससे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर, एमएम। ओके, सबसे छोटी क्या होती है, एमएम, मतलब मिलीलीटर। अब मुझे दे रखा है कि किलोमीटर को चेंज करना है किस में, मीटर में। हमें मालूम है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते। देखो, जब बिग यूनिट को हम स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल में, तो इंटू होता है। क्या होता है, इंटू। और जब स्मॉल यूनिट इंटू बिग यूनिट, तब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हमने बिग यूनिट को स्मॉल में करना है कि नहीं, किलोमीटर बिग है और हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में करना है, मीटर में। तो क्या होगा, इंटू होगा। और कितने से होगा, 1000 से होगा। हमें मालूम है 14, तो हमें मालूम है 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 होता है। तो 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 × 1000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 14,000 मीटर। ओके, ऐसे 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर कन्वर्ट करना, तो हमें मालूम 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 होता है। तो 9 में क्या होगा, इंटू 9 हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9000 मीटर हो जाएगा। ऐसे हमारे पास 102 किलोमीटर, तो 102 × 1000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 120, और ये 120 मीन क्या हो जाएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। ठीक है, तो ये मीटर में आएगा। ठीक है, 25 इक्वल टू 25 × कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इसलिए 25,000 हो जाएगा। ओके, और 4 किलोमीटर, 5 मीटर, ये तो 5 मीटर ऑलरेडी मीटर में, तो हमें किस में कन्वर्ट करना, 4 × 1000 करना है, और प्लस 5 मीटर, क्योंकि ये मीटर में। तो कितना हो जाएगा, 41,000 प्लस 5 मीटर है, तो 41,005, ये हमारा मीटर्स में हो जाएगा। ओके, थैंक यू।